दोस्तों, अगर कोई आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है तो आपको पता है कि आप उसके ऊपर जो इनपुट पे करते हो जीएसटी का, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो कुछ केसेस के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला, कृपया इसे एंड तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपने कोई भी जीएसटी पे करा है, बेसिकली इनपुट जीएसटी की मैं बात करता हूं, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हो तो ऑब्वियसली आपने वहां पे जीएसटी पे करा होगा कंपनी को, तो क्या आप उसका बेनिफिट ले सकते हो? तो दोस्तों, पहला तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप बेनिफिट तब ले सकते हो अगर आपका जो मोटर व्हीकल है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 से ज्यादा है इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि उसकी कैपेसिटी अगर जो है सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा है ड्राइवर को मिला के, तो आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो अपनी किताबों के अंदर, अदरवाइज नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ एक्सेप्शन केसेस। बेसिकली यहाँ पे चार हमारे पास केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको सेटिंग कैपेसिटी नहीं देखनी है। आपको सिंपल, अगर आप इन चार बिजनेस में फॉल करते हो तो आप अपना जो है इनपुट क्लेम कर सकते हो जो भी आपने मोटर व्हीकल परचेज करा है उसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे मेरा बिजनेस कौन सा है, अगर आप अपना बिजनेस करते हो मोटर व्हीकल्स को सेल परचेज का, अगर आपका ऑब्वियसली दोस्तों बिजनेस यही है तो आप इजीली जो है इनपुट क्लेम कर सकते हो अपने मोटर व्हीकल के ऊपर जो आपने परचेज किया है। सेकंड दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, यानी कि आप पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हो, तो आप दोस्तों उस केस में भी आपका ये बिजनेस है तो आप क्लेम कर सकते हो जो आपने मोटर व्हीकल परचेज करा है उसका इनपुट आप इजीली क्लेम कर सकते हो अपनी रिटर्न के अंदर। थर्ड दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल चलाते हो या कोई भी आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन चलाते हो तो आप ऑब्वियसली दोस्तों ट्रेनिंग देते हो सबको, तो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर रखा है कि आप कोई भी अगर मोटर व्हीकल परचेज करते हो स्कूल के नाम पे, इंस्टीट्यूशन के नाम पे जो भी ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस केस में आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों, चौथा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो, यानी कि आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो, आपका बिजनेस है, तो उस केस में भी अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हो अपनी फर्म के नाम पे, अपने बिजनेस के नाम पे, तो उस केस में आप वहां पे जीएसटी इनपुट का फायदा ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वैसे तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो, एक यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया है कि अगर आपकी जो मोटर व्हीकल है बेसिकली उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 लोगों से ज़्यादा की है इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिला के, तो उस केस में आप ITC क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन दोस्तों अप्लाई नहीं होती है हमारे इन चार केसेस के अंदर, यानी कि अगर आप इन चार केसेस में इन्वॉल्व हो, आपका बिजनेस इनसे रिलेटेड है या इनमें इन्वॉल्व हो, तो उस केस में दोस्तों आप ITC ले सकते हो जो भी आपने मोटर व्हीकल परचेज करा है, तो उसका आप GST इनपुट ले सकते हो, उसको फ़ायदा ले सकते हो, उसका क्लेम कर सकते हो आप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल बटन है उसको दबाएँ ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।